नवरात्रि आ गई, लेकिन अभी जनवरी में तो नवरात्रि मनाई थी, तो ये दोबारा कैसे आ गई? साल में कितनी बार आती है ये नवरात्रि? इसको जानने के लिए पहले इस साइकिल को समझो। हमारी अर्थ सन के अराउंड घूमती है, लेकिन वह एक टिल्टेड पोजीशन में घूमती है। इसी के कारण जब 22 मार्च होता है तो सूर्य की किरणें डायरेक्टली इक्वेटर पे होती हैं। उसके बाद सन ग्रेजुअली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मूव करने लगता है, जिसके कारण भारत में गर्मी आने लगती है और दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती है। इसके बाद सूर्य फिर से भारत से दूर जाने लगता है, जिसके कारण गर्मियां थोड़ी सी कम होने लगती है। 22 सितंबर तक सूर्य भारत से सबसे दूर होता है और भारत में सबसे ज्यादा ठंड होती है। अब भारत में ना 4 तरीके की नवरात्रि होती है, जिसमें से 2 महीन और 2 गुप्त होती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इन चारों नवरात्रों की टाइमिंग इन 4 स्टेजेस ऑफ अर्थ के साथ कोइंसाइड करती है, मतलब नियरली। इससे ये तर्क निकलता है कि शायद हमारे पूर्वजों ने नवरात्रि का त्योहार ऐसे ही नहीं कभी भी रख दिया, बल्कि इन सीजनल चेंजेस के साथ अडैप्ट करने के लिए हमारी बॉडी को 9 दिनों का बफर देते हुए माता रानी की भक्ति में लीन होने को दिया है। ट्रेडिशनल तरीकों को फॉलो करने के साथ साथ उनके पीछे की सोच को समझना कितना इंटरेस्टिंग है ना। और इसी के साथ